यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाय, आई एम एसपी सिंह। आज मैं आपको जा रहा हूँ सिखाने बहुत ही बेहतरीन टेक्निक पहाड़े लिखने की। अब कक्षा एक का बच्चा भी लिख सकता है 1 से लेकर 100 तक के पहाड़े, वो भी बहुत जल्दी मिनटों में। तो आइए अब हम इसको सीखते हैं कैसे हम 1 से लेकर 100 तक के पहाड़े बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो हम सीखते हैं, इसके लिए आपको याद होने चाहिए केवल 1 से लेकर 8 तक के पहाड़े। अगर आपको 1 से 8 तक के पहाड़े याद हैं तो आप 100 तक यानी 100 तक के पहाड़े बहुत ही आसानी से और बहुत ही क्विकली ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सिखा रहा हूँ नौ का पहाड़ा। बहुत ही आसान है नौ का पहाड़ा लिखना, कक्षा 1 का बच्चा भी लिख सकता है। तो देखो कैसे लिखेगा, ज़रा समझिए। हमने कहा है आपको केवल 1 से लेकर 8 तक पहाड़े याद होने चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 8 तक के पहाड़े याद हैं तो आप 100 तक के पहाड़े बहुत ही आसानी से इजीली और बहुत ही जल्दी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए, मैं सबसे पहले आपको 9 का पहाड़ा लिखना सिखा रहा हूँ। तो 9 का पहाड़ा लिखने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ 0 से स्टार्ट करना और 9 तक गिनती लिखनी है। ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देना ध्यान देना, अब इसकी उल्टी लिख देनी है। यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये हो गया 9 का टेबल। अब देखिए मैं आपको सिखाना जा रहा हूँ 16 की टेबल। बहुत ही आसान है, कैसे लिखेंगे 16 की टेबल आप जरा समझिए। आप यहाँ पर ये ध्यान से समझ लीजिए कि टेबल आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। मैं 2-4 टेबल आपको लिख के दिखाऊंगा, बाद में आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100 तक टेबल बहुत ही आसानी से इजीली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 16 का टेबल। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले 1 की टेबल लिखनी है यहाँ पे। तो 1 की टेबल क्या होती है, 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 और 1 2 10। अब आपको दूसरी साइड में जो है, जो इस साइड में लिखा है नंबर, इसकी टेबल लिख लेनी है। तो 6 की टेबल क्या होती है, 6 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
दहाई का, जो दहाई का अंक है वो इस पहले वाले में आपको प्लस कर देना, तो दहाई वाला अंक किस में जोड़ देना। तो ये पहला दहाई रहा 16, दो और एक हो गया 3, 3 और एक हो गया 4, 4 और 2 हो गया 6, 5 और 3 8, ये ऐसे लिखना, 6 3 9 और इसको ऐसे लिखना, 7 4 11, 8 4 12 और 9 5 14 और 10 6 16। ये टेबल तैयार हो गई, 16 32 16 43 16 16 ये 8 आएगा यहाँ पर, 16 16 32 16 43 16 64 16 85 16 96 16 97 16 28 16 28 16 29 16 44 16 60। अब देखिए और टेबल लिखते हैं। अब मान लीजिए हमें ये लिखनी है 26 की, लिखनी है किसकी, लिखनी 26 की। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो 26 की टेबल लिखने के लिए तो पहले क्या लिखा जाएगा बताइए, पहले लिखा जाएगा 2 की टेबल। तो 2 की टेबल, 2 एक 2, 2 इन 4, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18 और 2 2 20। अब यहाँ लिखनी 6 की, तो 6 कम 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 60। अब क्या करना है देखिए, समझिए जरा, इसका जो दहाई वाला अंक है, इकाई दहाई, दहाई वाला जो अंक है टेंस के स्थान पर जो नंबर आ रहा है इसको आपको इधर प्लस कर देना। बस देखिए 26, 4 एक 5, इसको ऐसे उतारना, 8 ऐसे रहेगा, 6 एक 7, 4 ऐसे रहेगा, 8 है तो 10, 0 ऐसे रहेगा, 10 है 3 13, 6 ऐसे रहा, 12 3 15, 2 ऐसे रहा, 14 4 18, 8 ऐसे रहा,
18 4 22, और यहाँ पे 4 ऐसी रहा, 18 5 23, और 0 ऐसी रहा 20 6 26। तो इस तरह से देखिए हो गया 26 की टेबल। आप कैलकुलेटर से करके मिला सकते हैं, और मैं एक और एक बड़ी टेबल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ली 48 की टेबल, ठीक है। तो 48 की टेबल लिखनी, पहले किसका टेबल लिखना पड़ेगा हमें, 8 का। तो पहले 8 का लिख लेते हैं, सॉरी 4 का, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 संग 24, 4 सत्तर 28, 4 अट्ठे 32, 4 नौ 36 और 4 ढाई 40। अब उसके बाद 8 का बारह, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्तर 56, 8 अट्ठे 64, 8 नौ 72, 8 दें 80। अब देखिए रूल वही है जो आप ये आपको बताया, तो करना क्या है इसमें, इसका जो दाएं वाला अंक है वो इधर प्लस कर देना। बहुत आसान, देखिए ये आ गया 48 एकम 48, 48 दूनी 9 96, 48 तिया 12 दो 14 144, 48 चौक 16 तीन 19 192, 48 पंजे 240, 24 चार 28, 6 28 5 33, 4 32 6 38, 2 ऐसी रहेगा 36 7 6 7 13 और 3 और 1 4, और यहाँ देखिए 0 और ये हो गए 480। लो जी ये हो गई 48 की टेबल। अब एक और बड़ी टेबल लेते हो, तो जैसे मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ 85 की टेबल, ठीक है। तो 85 की टेबल के लिए पहले 8 का टेबल लिखेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्तर 56, 8 अट्ठे 64, 8 नौ 72, 8 दस 80। अब उसके बाद क्या करना आपको, 5 की टेबल लिखनी, 5 का पहाड़ा लिखना। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 5 सत्तर 35, 5 अट्ठे 40, 5 नौ 45 और 5 दस 50। अब वही काम करना जो अभी मैंने बताया था आपको, क्या काम करना कि जो इसमें दाहिने वाला अंक है वो आपको इधर वाले में जोड़ देना। यहाँ से देखिए ये आपको 85 का टेबल देखो, ये आया 0 ऐसी रहा 16 1 17, 5 ऐसी रहा 24 1 25, 0 ऐसी रहा 32 2 34। समझ आ रही है, 5 ऐसी रहा 40 2 42, अब यहाँ देखिए 0 ऐसी रहा 48 3 51, 5 ऐसी रहा 56 3 59, 0 ऐसी रहा 64 4 68, 5 ऐसी रहा 72 4 76, और 0 ऐसी रहा 80 5 85। एक और लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखी 97 की, ठीक है। तो पहले 9 का टेबल, 9 का टेबल अभी आपको बताइए, तो 9 का टेबल क्या है देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 की टेबल हो गई। अब हमें क्या करना, 7 की टेबल लिखनी है। तो 7 की टेबल, ठीक है, 7 की टेबल होगी, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 और 7 2 70। तो आप करना क्या, आपको वही काम करना है जो आपको अभी सिखाया था हमने, यहाँ इधर वाला इधर प्लस कर देना। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया 97, 97 18 1 19, 194, एक ऐसी रहा 27 2 29, 8 ऐसी रहेगा 36 2 38, अब देखिए 5 ऐसी रहेगा
पैंतालीस तीन अड़तालीस, दो ऐसी रहा चौवन अचार अट्ठावन। अब देखिए नौ ऐसी रहा तिरसठ चार सड़सठ, छः ऐसी रहा बहत्तर पाँच सतहत्तर, तीन ऐसी रहा इक्यासी छः सतासी, और जीरो ऐसी रहा और नब्बे सात सत्तानवे। लीजिए ये हो गया 97 की टेबल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आप जो है एक से लेकर 100 तक के जो टेबल हैं पहाड़ में वो इजीली लिख सकते हैं और बहुत क्विकली लिख सकते हैं। इसके आप घर पर प्रैक्टिस करते रहिए, लिखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और जो बच्चे आपके फ्रेंड हों दोस्त हैं उन तक इसको ज़रूर पहुँचाइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।